एक बार की बात है, महाराज विक्रम अपने मित्र राजा कुंतल वर्मा से मिलने उनके राज्य में गए। वहाँ उनकी बड़ी खातिरदारी हुई। दोनों ने साथ साथ कई दिन बिताए। आप विक्रम भैया को नहीं हरा सकते। भाई सचमुच कुंतल, तुम्हारे साथ 6-7 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। ये तो तुम सच कह रहे हो विक्रम, तुम्हारे साथ बिताए इन दिनों में मुझे तो अपना पूरा बचपन याद आ गया। हाँ, लेकिन अब मुझे अपने राज्य की याद आ रही है। तो भाई कुंतल, मैं कल सुबह विदा लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर क्या बात है महाराज, क्या कोई परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं, यूं ही नींद नहीं आ रही है। तो चलिए बाहर बगीचे में घूम आते हैं। हाँ चलो। हाँ मौजा, वो ये तो महारानी रागिनी देवी है। ये इस तरह इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही है? ये क्या? मौजा तुम भाभी को देखो, कहाँ जा रही है। मैं कुंतल के पास जाता हूँ। जी महाराज। कुंतल, 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 क्या हुआ मित्र? कुंतल, 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 क्या हुआ? तुम यहाँ? हाँ, तुम चीख रहे थे कुंतल। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, इस राज्य की महारानी रात में इस तरह, लेकिन ये कहाँ जा रही है? ये तो सेनापति है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है मेरे, जाकर महाराज से कहना पड़ेगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, जो मैंने देखा वो आपको बता दिया। हे भगवान, कुंतल के साथ वो घटना और भाभी का ये व्यवहार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, मैं इस समस्या में अपने मित्र को छोड़कर नहीं जा सकता। वाह, ये तो तुमने अच्छी खबर सुनाई कि तुम कुछ दिन और यहाँ रुक रहे हो। हाँ। अच्छा कुंतल, ये बताओ क्या तुम्हें बीती रात की कोई बात याद है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ खास बात है? हाँ, तुम्हें कुछ याद नहीं? कल रात तुम पर हमला हुआ था। ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे पूरी बात बताओ। पूरी बात जानने के लिए ही तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ। अभी तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। आओ मुंजा। अरे अरे, लेकिन सुनो तो। मुंजा,
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुंतल को कौन मारना चाहता है, और ये भाभी का सेनापति के यहाँ जाना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो? तुम ऐसा करो मुंजा, जाकर सेनापति पर नजर रखो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। कहाँ गई थी रात भर कायम रही? या तो भी महारानी रागिनी की तरह मेरी हत्या करना चाहती है? छी, राम बोलो राम, मैं ऐसा क्यों करूँगी? लेकिन क्या सचमुच राजा कुंतल वर्मा मारा जाएगा? हाँ, रानी कुंतल वर्मा को मार डालेगी। ये तो गजब हो जाएगा, मुझे तुरंत महल लौटना चाहिए। मैंने पूरा दिन सेनापति पर नजर रखी, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं दिखी जिससे सेनापति पर शक किया जा सके। मुंजा, आज हमें भाभी को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना है। महाराज, ये अंदर चली गई और अब तक बाहर नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर से कोई गुप्त रास्ता हो? मुंजा, तुम यहीं रुको, मैं महल जाता हूँ। जी महाराज। कुंतल, कुंतल, अरे ये क्या हुआ? कुंतल, कुंतल! महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज को? अभी अभी सैनिकों ने महाराज की चीखने की आवाज सुनी। ये क्या, हमारे महाराज? गिरफ्तार कर लो महाराज विक्रम को। हा? ये क्या कह रहे हो? खबरदार, कोई आगे ना बढ़े। मैंने कुंतल की हत्या नहीं की, परंतु मैं जानता हूँ इनको किसने मारा है। कल तक इनके हत्यारे को तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। सैनिकों, देखा, मैंने कहा था ना, कुंतल वर्मा की हत्या हो जाएगी। हाँ, तुमने ठीक कहा था, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुंतल वर्मा जीवित हो सकता है। हाँ, आ तो सकता है, परंतु यदि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया तो फिर वो कभी जीवित नहीं हो सकेगा। नहीं मंत्री जी, आप महाराज कुंतल वर्मा के वफादार हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मंत्री जी, आप अगले 2 दिनों तक महाराज कुंतल वर्मा का अंतिम संस्कार मत कीजिएगा। परंतु अंतिम संस्कार 2 दिन के लिए, मेरी बात मानिए, फिर देखिएगा, कुंतल वर्मा का हत्यारा पकड़ा भी जाएगा और कुंतल जीवित भी हो जाएगा। यदि ऐसी बात है महाराज विक्रम,
तो मुझे आपकी बात मंजूर है। धन्यवाद। मुंजा, हमें रात होने का इंतजार करना होगा। जी हाँ महाराज, आज मैं पूरी कोशिश करूँगा सच्चाई का पता लगाने की। सच चाहे जो भी हो, मेरा दिल नहीं मानता कि रागिनी भाभी कुंतल की हत्या कर सकती हैं। हे भगवान, मेरे साथ तूने ये कैसा अन्याय किया। अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगी, क्या करूँगी मैं जीकर। से मैंने महाराज कुंतल वर्मा को तो खत्म कर दिया, अब उनके अंतिम संस्कार के बाद फिर मैं आपसे विवाह करके सभी राज्यों का राजा बन जाऊंगा। अब आप जाइए, महाराज कुंतल वर्मा के अंतिम संस्कार का इंतजाम कीजिए। जाइए जाइए आप जी। कहो मुंजा। महाराज वो तांत्रिक है जो सेनापति को अपने वश में करके उसका उपयोग कर रहा है। तो ये बात है जी महाराज। मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास था कि रागिनी भाभी हत्यारी नहीं हो सकती। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन वो जादूगर काला जादू करने में माहिर है। क्या? उसने महारानी को अपने वश में कर रखा है और वो अपने जादू से अपने डेरे पर बैठे बैठे ही लोगों की हत्याएं कर सकता है। तो चलो आज ही इस जादूगर का जादू खत्म कर देते हैं। चलिए महाराज। चलो सिम सिम खुल जा। अरे खुल जा, खुलता क्यों नहीं? ये ऐसे नहीं मानेगा। आ,
ऐसे हार नहीं मानूंगा। विक्रम, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। नहीं बचेगा। मुझे मत मारो विक्रम, मुझे माफ करो विक्रम। बता बता कहाँ है कुंतल की गुड़िया? वहाँ, उधर 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 वहाँ पर। सचमुच तुमने एक सच्चा मित्र होने का धर्म पूरा किया है। मैं जीवन भर तुम्हारा ये उपकार नहीं भूल पाऊंगा। इसे कहते हैं सच्ची मित्रता। मित्रता की पहचान तो बुरे समय में ही होती है। तो याद रखोगे ना, यदि तुम्हारा मित्र किसी संकट में, दिक्कत में या परेशानी में है तो उसकी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम सबको महाराज विक्रम की कहानी सुनाना मेरा कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मेरा नाम है मुंजा, मुझसा नहीं कोई दूजा।